फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तो देहरादून में बहुत बारिश हो रही है, और देखिए हितेश यहाँ देख रहा है अपना टीवी। ये देखिए, इनको पसंद है क्या? देख रहे हो आप पैपा पे? और बाकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो दो बच्चे ऑनलाइन क्लास में बिजी हैं अपनी। ये देखिए, ये राशि, ये इधर जीतेश, ये दोनों अपनी ऑनलाइन क्लास में बिजी हैं। और अभी मुझे बाहर जाना है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो चले फिर, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बारिश और बहुत हवा चल रही है। देखिए रात भर से बारिश हो रही है। ये देखिए, और देखिए अभी दिन का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और फिर भी आज देहरादून का मौसम कैसा है, कितना पानी बरस रहा है। ये देखिए, और हवा भी बहुत तेज चल रही है, एकदम ठंडी। ये देखिए तो गाइस, आज बहुत तेज बारिश चल रही है और बहुत ठंडा मौसम है यार। तो आज क्या खाएंगे लंच में? इस ठंडे मौसम में तो आज हम खाएंगे पकोड़े। और यहाँ देखिए राशि छिल रही है मटर। हेलो गाइस, क्योंकि हम बहुत सारी मटर इकट्ठे ले आते हैं और फिर उसे छिल करके फ्रिज में रख लेते हैं, ताकि जब भी हमें उसका कुछ भी बनाना हो तो हमारे लिए इजी हो जाता है उस समय बनाना। तो जब तक ये दोनों मटर छिलते हैं, तब तक मैं बनाती हूँ पकौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन में हमारा लंच में है इस ठंडे के मौसम में पकौड़ियाँ खाने का मन। तो आज मैं दाल और पालक की मिक्स पकौड़ियाँ बनाऊंगी, और उसके साथ बनाऊंगी पहाड़ की फेवरेट चटनी, भांग की चटनी। और इस ठंडे के मौसम में भांग की चटनी गरम गरम रहती है, तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए मैं भांग की चटनी किस तरह से बना रही हूँ। देखिए ये रहे भांग के दाने, इसको हम ये हैं भांग के दाने, और इसे गरम गरम तवे में हम इस तरह भुनेंगे, और इसे जलाना नहीं है, इसे हल्के गैस को एकदम सिम कर दीजिए, और इन्हें इस तरह पलटते रहिए। और जब ये छटकने शुरू हो जाएं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो समझ जाइएगा कि ये रेडी है चटनी बनाने के लिए। जाड़ों में भांग की चटनी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है,
और ये हमारे वहाँ आलू के गुटकों के साथ भी बहुत खाई जाती है, वो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू कर देंगे अभी। ये देखिए, ये उछल उछल के इधर सब गिर चुके हैं। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसके साथ धनिया पत्ती, गैस को करूँगी बंद और इसमें ऐड करूँगी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक, नींबू, टमाटर और प्याज। ये देखिए, ये रहे भांग के दाने और इसमें ऐड कर दिया हरी मिर्च और ऐड करेंगे प्याज और ऐड करेंगे टमाटर। और इसमें ऐड करेंगे खट्टे के लिए आधा नींबू का रस और धनिए की पत्ती। थोड़ा ऐड करा मैंने इसमें धनिया और नमक, नमक स्वाद अनुसार, अगर कम हो तो आप बाद में टेस्ट करके और नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की चटनी रेडी हो गई है और इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। पालक और दाल की पकौड़ियाँ, ये मैंने पालक के पत्ते कट कर लिए इस तरह और इसमें मैंने भिगाई है मूंग दाल और चने की दाल, दोनों भिगाई है, जो कटा हुआ चना रहता है वो, और इनको भिगा करके साफ़ पानी से धो करके मैं अब इन्हें पीस लूँगी। और उससे पहले मैं इसमें कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ लहसुन इसमें पीस लेंगे, इनको पहले पीस लूँगी ताकि अच्छे से पीस जाएं और उसके बाद इसमें दाल ऐड करके पीसेंगे। देखिए, अदरक और लहसुन मेरा पिस चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये भीगी हुई दाल। ये देखिए, दाल मेरी पिस चुकी है और एकदम बारीक नहीं करी है मैंने, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी रहने दी है। अब इसे हम निकाल लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए।
और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है। जब तक मैं ये मिक्सर तैयार करूँगी पकौड़े का, तब तक मेरा वहाँ तेल गरम हो चुका होगा। देखिए अब ये जो मैंने दाल पीस दी है, अब इसमें मैंने ये धनिया पत्ता काटे हुए हैं इनको भी ऐड कर दूंगी, और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा हींग, और ऐड करूंगी अजवाइन। अजवाइन गर्माहट देती है इसलिए अजवाइन, और इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, और ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, और ये पिसा हुआ धनिया और जीरे का पाउडर है ये भी ऐड करूंगी, और थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर एकदम थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और ऐड करूंगी मैं इसमें नमक, नमक स्वाद के अनुसार जितना चाहिए। अब लास्ट में ऐड करेंगे इसमें जो मैंने पालक के पत्ते काटे हुए थे उनको, और सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने पानी ऐड नहीं करा है क्योंकि पालक के पत्ते पानी छोड़ते हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। खाली मूंग दाल की पकौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी होती हैं, और खाली पालक की भी, लेकिन दोनों को मिक्स करके बनाने पे भी ये अच्छी लगती है। आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये सब आपस में मिक्स हो गया है, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम पकौड़ियों के लिए तो बेसन मेन है, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें बेसन, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह हम देखेंगे कि अगर पकौड़ियाँ बत रही हैं तो हम फिर बेसन ऐड नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा ऐड और करूँगी इसमें बेसन। बस अब ये मेरा पकौड़ी का बैटर अच्छा सा रेडी हो गया है। ये देखिए, और इधर मैंने रख दिया है कढ़ाई में तेल होने गरम होने के लिए। मैं सरसों का तेल का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देखिए कढ़ाई में मेरा तेल हो चुका है गरम, और अब मैं इसमें पकौड़ियाँ तलने के लिए रेडी है। पकौड़ी करूंगी छोटी छोटी।
पकौड़ी के बैटर में मैंने थोड़ा सा ये जो कढ़ाई में तेल गरम है उसको भी इसमें ऐड किया है, जिससे ये काफ़ी अच्छी बन जाती है। यहाँ राशु और हितेश का लगभग इतनी मटर छिल चुकी है, ये देखिए, और साथ साथ इनका खेल भी हो रहा है। मजा आ रहा है मटर छिलने में? क्यों हितेश, राशि, अगर फ्रेंड्स आपके घर में भी मटर ज्यादा और बच्चे हो तो मोबाइल और लैपटॉप से उन्हें हटाना हो तो उनको ऐसे ही काम दिया कीजिए, काम का काम होगा और बच्चे लैपटॉप और मोबाइल से दूर रहेंगे। और मटर तो ऐसी चीज़ होती है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है छिलने में, तो बच्चे अच्छा टाइम पास कर लेंगे। आज से हम छिलेंगे भी नहीं है, आज से हम छिलेंगे भी नहीं है। क्यों नहीं छिलेंगे? और यहाँ बन चुकी है मेरी पकौड़ियाँ, और यहाँ हो चुकी है मेरी चाय रेडी। हितेश और राशि, यहाँ मैं पकौड़ियाँ तलते जा रही हूँ और ये लोग यहाँ से लेके खाते जा रहे हैं। कैसी बनी है? अच्छी बनी है? ये हेल्दी भी है। हाँ, इसमें ऑर्डर आऊंगा। हाँ, ना? इसमें दाल है, पालक है। ये देखिए,
मैं तलती जा रही हूँ और ये लोग यहाँ से ले जाते रह रहे हैं। दाल से पकौड़ी बनती है। तो फ्रेंड्स इस तरह की पकौड़ी बना के आप भी अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये हेल्दी भी है, इसमें दाल भी है और पालक भी है, क्योंकि बच्चे पालक की कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, और पकौड़ी खा लेंगे तो वो उनके लिए हेल्दी हो जाएगी। और इधर मेरी पकौड़ियाँ अब लगभग पूरी बन चुकी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मेरी तो गर्मा गर्म पकौड़ी, चाय और भांग की चटनी रेडी है, और इतने ठंडी के मौसम में जब बाहर बारिश हो रही हो और अंदर गर्म गर्म पकौड़ियाँ बनी हो तो क्या मज़ा आता है। तो चलिए आप भी करिए हमारे साथ साथ लंच। लंच बहुत टेस्टी है, ये यम्मी है। कैसी थी? अभी मैंने गाइस को बताया। तो फ्रेंड्स इस ठंड के मौसम में देखिए बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बच्चों को हम बाहर ले जा नहीं सकते हैं जैसे कि ये लोग रोज जाते थे नीचे साइकिलिंग के लिए। तो आज हितेश और राशि करने वाले हैं कौन सा चैलेंज बताओ? लेमन चैलेंज, जिसमें लेमन चैलेंज, लेमन स्पून चैलेंज। तो इसका रूल्स आपको पता ही होंगे, इसमें एक स्पून चाहिए और लेमन चाहिए, और स्पून को आप ना और जो लेमन चैलेंज जीतेगा, चाहे राशि है चाहे हितेश है, उसको मिलेगा एक गिफ्ट में। क्या मिलेगा? चॉकलेट। चॉकलेट, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, कल को मिलेगी। ठीक है, बिस्कुट दे देते ना फिर। ठीक है, तो चलिए फिर आप भी देखिए मेरे साथ साथ राशि और हितेश का लेमन चैलेंज। और ये देखिए हितेश और राशि, हाँ दीवार को टच करके आओ वापस, एक दूसरे से मत टकराना। टू, थ्री, ओ हितेश आउट हो गया है, चलो आ जाओ दोबारा जाओ। फोर, देखते हैं राशि कितने राउंड करती है। Thank you.
हितेश छोटा है तो हितेश भी क्या होगा? विनर। तो चॉकलेट किसको मिलेगी? दोनों को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ठोक ठोक के दबाइए और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।